कंसिस्टनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर बट सेल्फ कंसिस्टनेस नहीं। कंसिस्टनेस क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर, लेकिन सेल्फ कंसिस्टनेस नहीं होता है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना आम बात है, सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर कुछ ही है, जैसे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, कंसिस्टनेस, मेटाबॉलिज्म, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, डिफाइनिंग नहीं है। हर्बेरियम क्विक रेफरेंस सिस्टम होता है। और हर्बेरियम में कलेक्टर का नाम भी लिखा रहता है, जो कलेक्ट करता है प्लांट को। कीज जो होते हैं वह एनाटॉमिकल इन नेचर होते हैं, जिनमें स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीड। फ्लोरा मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको बोलते हैं फ्लोरा। और अगर एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो फन्ना। आरएच विटेकर 1969 में दिए थे फाइव किंगडम सिस्टम, और सिस्टेमा नेचुरी से लिया गया था सिस्टमैटिक्स, फादर ऑफ सिस्टमैटिक कैरोलस लीनियस। टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल। एल्विलाई, लंग के अंदर जो एल्विलाई है उसका जो वाल है उसमें एपिथीलियम होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम। और जो ब्लड वेसल्स में होता है, वाल ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां पर भी स्क्वैमस एपिथीलियम। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एरियोलर और एडिपोज, ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मसल से बोन को कनेक्ट करता है टेंडन, और मसल बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। एकाइनोडर्मेटा में एस्क्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, उनकी बॉडी में सिर्फ ट्यूब फिट पाया जाता है। फ्लेम सेल पाया जाता है प्लेटी हेलमेंथीज में, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, और एनिलीडा में डेवलप्ड नेफ्रिडिया होता है, जिसको मेटानेफ्रिडिया भी बोलते हैं। आर्थोपोडा में एस्क्रीटरी सिस्टम वैरायटी होती है, मेलफिजन टिब्यूल कॉमन है। और जो क्रस्टेशियंस होते हैं आर्थोपोडा के, उनमें ग्रीन ग्लैंड होता है, प्रॉन एग्जांपल हो गया प्रॉन। मोलस्का में रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला पाया जाता है। अपोजिट फाइलोटैक्सी तुलसी, ऑसिमम, मदार और अमरूद में, गुआवा में पाई जाती है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांच इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। और अल्टरनेट पाई जाती है कहाँ? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। सोलानेसी होता है सुपीरियर ओवरी, लिली एसी सुपीरियर ओवरी, फेबी एसी सुपीरियर ओवरी, फेबी एसी मोनोकार्पलरी, सोलन एसी बाईकार्पलरी और लिली एसी ट्राईकार्पलरी। एक एक बात आपके दिमाग में जो जा रही है वो चार चार नंबर आपका फिक्स कर रही नीट में, चार चार नंबर जा रहा दिमाग में आपके, हमेशा सामने आएगा आपके सामने कॉपी, सामने आएगा पेपर OMR, वो लगा कर सीधे आप भरोगे अपोजिट कहाँ पाया तो वही आएंगे, एग्जैक्ट वही आएगा। कॉकरोच होते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल, दे आर डाइसियस, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, साइज वेरी करता है 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग। आर्थोपोडा का फीचर क्या है? जॉइंटेड अपेंडिजेस, इनके पास सेंसरी ऑर्गन एंटीना पाया जाता है। कॉकरोच की आंखें जो होती हैं उनमें जो विजन होता है वो मोजाइक विजन होता है, और आंखें जो होती हैं वो कंपाउंड आई होती है, और जो देख विजिबल यूनिट होता है वो होता है ओमेटीडियम। हर आंखों में 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडियम होते हैं। स्पर्म के बंडल को स्पर्मेटोफोर बोलते हैं।
मशरूम ग्लैंड जो होता है काकरोच में, मेल में पाया जाता है, मेल काकरोच। फीमेल के पास दो ओवरी, काकरोच। याद रखना, मोनोकॉट की लीफ में दोनों सरफेस पे जो स्टोमेटा के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए उनका लीफ जो होता है आइसोबाइलेटरल कहलाता है। अब मोनोकॉट की लीफ में बुल्ली फार्म सेल होता है जो कि एम्प्टी कलरलेस सेल होते हैं। अगर उस बुल्ली फार्म सेल में पानी भर जाएगा तो सेल पानी भरने की वजह से जो दिखेगा वो एक्सपेंड फार्म में दिखेगा, लीफ बिकम स्टर्जिड। जिम्नोस्पर्म के पास कोई फ्रूट नहीं होता, नेकेड सीड होता है। साइकस होता है अनब्रांच्ड, पाइनस होता है ब्रांच्ड, सिड्रस होता है ब्रांच्ड। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और वाराइड्स को डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971 में। वाराइड्स बीमारी कास करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आरएनए वायरस होता है, लो मॉलिक्यूलर होता है वाराइड्स, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, प्रोटीन की कोटिंग अब्सेंट होती है, इसीलिए उनका नाम वायरॉयड है। और वायरस जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होते हैं। लाइकेंस एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, प्लस प्लस रिलेशनशिप, जिसमें एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला था M.W. बिजर्निक ने, और वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था W.M. स्टेनली ने 1935 में। प्लांट बेटा या तो पैरासिटिक प्लांट होते हैं या एपिफाइट, अगर हेटरोट्रॉफिक प्लांट है तो। पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो प्लांट पे रह के प्लांट से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, और एपिफाइटिक प्लांट प्लांट पे रहते तो हैं लेकिन प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। लाइसोजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम खूब भरा होता है, जैसे प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट डेसेस, लाइपेसेस, सबको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है। प्लांट में सेलवाल काफ़ी बड़ा होता, सॉरी प्लांट में वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, वो करीब 70-90% एरिया कवर करता है, और वैक्यूलर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल बोलते हैं, यानी खुली खुद ही वो सेल होता है, सॉरी राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल विद इन द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम जो होता है इन लोग के पास वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, और राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल कहते हैं। एंड राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, लिपिड वाला और रफ वाला प्रोटीन बनाता है। गॉल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी ने 1898। सिस फेस और ट्रांस फेस होते हैं गॉल्गी बॉडी में, एक सिस फेस फॉर्मिंग फेस होता है और ट्रांस फेस मैच्योरिंग फेस होता है। फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस C2 साइकिल कहलाता है। स्पर्म का हेड बनाता है गॉल्गी बॉडी, स्पर्म का हेड एक्रोजोम रीजन जो होता है वो गॉल्गी बॉडी ही बनाता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है। एंजाइम में होते हैं एक्टिव साइट्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं और हर क्लास में 4-13 सब क्लासेस होते हैं, जिसको 4-डिजिट नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। लिपिड जो होता है उसका कोई मोनोमेरिक फॉर्म नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का होता है मोनोसेकेराइड, प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड।
सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट होता है ग्लाइसिन। बोलो भाई, क्लियर? इससे ज्यादा कुछ रिवीजन, कोई भी रिवीजन पॉसिबल नहीं है। बस बातें आप सुनो, क्लियर होता जाएगा एक एक चीज। पहले सुना या नहीं सुना ये मैटर नहीं करता है, अभी सुन रहे हो ना, बस अभी सुन रहा है, अभी दिमाग में बसा लो इसको। एकदम बिल्कुल क्लियर सी बात है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोजोम के नंबर हो जाते हैं हाफ। और माइटोसिस होना या नहीं होना है ये डिसीजन जीवन फेस में लिया जाता है, जीवन फेस में, गैप वन फेस में। गैप वन फेस में अगर डिसीजन लिया जाता है कि माइटोसिस होना है कि नहीं होना है, और डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो एस फेस में होता है। और सबसे बेस्ट क्रोमोजोम की स्टडी अगर आपको करनी है तो वो कहां करोगे? मेटाफेज में। कहां करोगे? मेटाफेज में। और सबसे बड़ा फेज जो होता है वो प्रोफेज होता है, और सबसे छोटा फेज जो होता है वो एनाफेज होता है, सबसे लास्ट फेज जो होता है वो टीलोफेज होता है। तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, और बाद में होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।